दोस्तों अपने देश में कुछ लोगों के पास टाइम बहुत है, फ्री। मान लीजिए आपके मोहल्ले में जेसीबी मशीन आई है, कूड़ा उठा रही है, तमाशबीन पहुंच गए, टाइम है ना, मशीन लोग यार देखो यार है, एक बार में कितना यार उठा लेती है, पूरा ठेला भर के ढेला। अबे बढ़िया मशीन आई है यार। आनंद है उनका, वो फेस्टिवल है। आपकी गाड़ी पंचर हो गई, कुछ लोग खड़े हो जाए, पंचर नहीं भैया, पंचर होएगा है। देखो पंचर हो गया, अब इसको मालूम आप क्या करो, पंचर बनवाओ। इस तरह का आनंद आता रहता है। इसी तरह से मैं पिछले दिनों बनारस गया था, स्टेशन के बाहर देखा दो सांड आपस में सींग फंसाए हुए एक ही जगह पर खड़े, बहुत देर तक खड़े, सींग फंसा हुआ और उनके चेहरे पे इत्मीनान, एक सुकून। आप सत्य की खोज में होंगे, ये सत्य प्राप्त कर चुके हैं, अभी शांति की खोज में। इतना इत्मीनान, इतना सुकून सांडों के अलावा मैंने कहीं नहीं देखा। सिंह फंसे हुए हैं, दोनों खड़े, बीच में खड़े खड़े बोर हो गए तो एक ने ज्यादा ताकत लगा दी और पूरा पीछे तले ले गया उसको, खुर की आवाज खड़ 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 30-40 साइकिलें गिर गई। उधर जो लोग खड़े उनको मजा आ गया। देखो पूरा ढकेल दिया, मैं हाउक दिया। उधर सब्जी वाले के ठेले की छींचा लेदर कर दिया। दहिया पसेरी हो गई गुरु। इतने में उधर वाले सांड को भी जोश आया और वो भी इस सांड का करते 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 ले गया, वहां जाके अंडे का ठेला गिरा दिया। अंडे वाला अपने अंडे बचा के भागा, बोले वो तो ठीक है यार, अपने अंडे बचाओ। वो अलग लगा हुआ। लेकिन बनारस के लोग बहुत शांति प्रिय हैं, इसमें भी आनंद ढूंढ लेते हैं। उधर से निकल रहे, देखिए नंदी महाराज हैं, क्रोधित हो गए हैं नंदी महाराज। अब जिस समय इनके सींगे फंसी हो उस समय इनको आप ढकेलो, इनको बांस से मारो, डंडे से मारो, अद्धा से मारो, ईंटा फेंक के मारो, उनका कोई लेना देना नहीं। बस वो दोनों ऐसे एक दूसरे फंसे यूं देखते रहते हैं। इतनी शांति और इतना इत्मीनान और कहीं किसी क्षेत्र में नहीं हो सकता, यूं ऐसे फंसे हुए लोग। लोग इतने सपोर्टिव बनारस के, उनको मालूम है सब बगल से लेकर जा रहे हैं, जहां ये लड़ रहे हैं बगल से अपने निकल जा रहे हैं। सवारियां गोल गोल घूम के, गोल गोल घूम जा रहे। मैं और यीशु भैया जा रहे थे, हम लोग नजारा देखा यार, हम लोग भी साइड से बच के निकल गए। नाश्ता करना था, रेस्टोरेंट पहुंचे, नाश्ता नाश्ता किया, वेटर बिल ले आया। बिल देख के यूसुफ भैया भड़क गए, बोले हम इस बिल का विरोध करते हैं, इस बिल को हम खारिज करते हैं। वेटर को क्या लेना देना, वेटर ने दो तीन धपा धर दिए, पूरा ढैया पसेरी कर दिया, लफंदर बना दिया यूसुफ को। यहाँ पे घुमटा निकल आया, हमने क्या ही, क्या इसे क्यों किया। नहीं नहीं राजू भैया, बात ऐसी एक्चुअली हमारी जेब कट गई है, पर्स है नहीं, तो क्या करते। अरे मैंने कहा यार मैं दे देता हूँ, 140 रुपए का बिल था, मैंने 145 रुपए वेटर के मुंह पे मारे। वहां से निकले, हमसे कहे राजू भैया ऐसा करो, आप हमारे जेब हो गई खाली, तो कुछ हमें दे दो, चाहे बाद में ले लेना। बोला ठीक है चलो, सामने ए टी एम से निकाल के दे देता हूँ। एटीएम पहुंचे, दरवाजा खोला, वहां कुत्ते बैठे। हमने कहा यार तो बहुत सख्त पहरेदारी है, सिक्योरिटी कुत्ते बैठे, और इतने कुत्ते बैठे कि अंदर आदमी जा ही नहीं सकता, 6-7 कुत्ते बैठे हुए, सर्दी का मामला। खैर भागे वहां से। हमसे राजीव भैया एक्चुअली जेब कटी है, पुलिस में कंप्लेन करा दो यार, रिपोर्ट करा दो, हमारी जान सूख रही यार, पर्स चला गया। हमने अच्छा चलो, सामने पुलिस बूथ है, पुलिस बूथ में गए, कोई नजर नहीं। जब झांक के देखा तो अंदर सांड बैठे हुए, दो सांड यूं मुड़े मोटे मोटे,
गर्दन के ऊपर उनके इतना बड़ा था। हमने कहा नहीं नहीं कोई कोई काम नहीं था, ऐसे आए थे, उठना नहीं बैठे रहो, ऐसे ही आए थे, कोई ऐसी बात नहीं। उसके पीछे देखा वहां दो सांड और खड़े ऐसे, वो गंभीरता से कुछ सोच रहे हैं। यूसुफ भाई बहुत गंभीरता से सोच रहे, हाँ ये बंगाल चुनाव के बारे में चिंतित है, वही टीएमसी के बारे में, टीएमसी हाँ फुल फॉर्म नहीं बोलते ना, बोलते लोग बुरा मान जाएंगे। वहां से हम लोग निकले, सोच ही रहे थे कि थाना कहाँ है, अचानक हमारे दोनों पैर के बीच में से सुअरिया निकली, हमें दोनों पैर ऐसे हो गए, हमें अरे नहाना पड़ेगा यार, खरोंच लग गई, सुअर भी बड़ा था। खैर किसी तरह से आ गए उसी चौराहे पे, पान पान वाले के पास, वहीं सामने दोनों सांड वैसे के वैसे, सींगे फंसी हुई, ना वो हिल रहे ना वो हिल रहे। हमने पान वाले से कहा, हमने कहा और चौरसिया जी ये सांड कब से खड़े हैं, इसे बीच में छूटे थे कि नहीं? 15 मिनट का ब्रेक लिया था नंदी ने, 15 मिनट इधर आए थे, पानी वानी पिया, फिर कोई कहा सुनी हो गई बीजेपी और टीएमसी को लेके, फिर अपना फंसाए, पान खाएंगे कैसे, वहां टाइम पास कर रहे हैं। अच्छा नहीं अभी लोग निकलेंगे करीब, अभी कितना बजा, 9 बजे, हाँ तो 3-4 घंटे बाद ये सांड अलग होएंगे। हाँ ये मार्केट वगैरह बंद होगा, तो हलवाई की दुकान है, हाँ वहां ये जाएंगे दोनों, और ऐसे जाएंगे कि जैसे हमारे बीच झगड़ा कभी था ही नहीं, दोनों प्यार से जाएंगे वहीं मिठाई वाले के यहाँ, और वहां जितने पत्तल पड़े हैं हरे वाले उनकी सफाई होगी, वो सफाचट करेंगे, इनका रोड का नियम है। हाँ नंदी महाराज है इनकी, ना भैया सींग टूटती है ना कुछ होता है। हाँ हमने कहा लेकिन ये जो इधर वाला नंदी है, जो सांड महाराज है, उनके यहाँ पे इधर यहाँ पे गुल्लड़ क्या निकला है, गोला गोला क्या निकला है? ये भैया दिन भर खाते हैं प्लास्टिक, प्लास्टिक वही पन्नी वन्नी खाते रहते हैं, अब पन्नी डाइजेस्ट होता नहीं, गलता नहीं है, वही जमा होता रहता है, हाँ अंडरनीथ जहर धीरे धीरे फैलता रहता है, हाँ बहुत बेमौत मरते हैं यार, हाँ तड़प तड़प के मरते हैं, शान तकलीफ होती है, दुख होता है। अरे यार अब सरकार क्या क्या करे, आदमी लोगों को चाहिए कि ये जो है हाँ प्लास्टिक इधर उधर न छोड़े, प्लास्टिक का इस्तेमाल काहे करते हैं यार। अब भैया हमारे समझाने से तो कोई समझेगा नहीं।